It's very tough. वेरी टफ, वेरी डेंजरस. देवेंद्र, इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू. बहुत डेंजर है, बहुत खतरा है, मत करो, जो होगा देखा जाएगा. अभी मेरे को यार पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, तो भाई चढ़ा ऊपर यार कोई तरह. Hey guys, very good morning and welcome to the new vlog. अभी मैं हूँ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री मॉरिटानिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी नौदीबू में, और फाइनली आज मैं आयरन ओर ट्रेन की जर्नी करने वाला हूँ. फाइनली आज वो दिन आ गया है. काफी सारी सामान है मैं लेके जा रहा हूँ, और मेरे को मजबूरी में जैकेट भी पहनना पड़ा है. हालांकि अभी गर्मी है, लेकिन शाम होते होते काफी ज्यादा ठंड हो जाएगी. टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, मे बी और कम हो जाए. तो जैकेट रखने की जगह नहीं है, पकड़ने की भी जगह नहीं है, तो मेरे को पहनना ही पड़ा यार, मैनेज करना पड़ेगा. आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा मैं शॉपिंग कर लिया था ट्रेन जर्नी के लिए. बस आज मेरे को खाने पीने का सामान लेना है, बाकी ट्रेन स्टेशन पहुंचना है. अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं. ट्रेन का ऑफिशियल टाइम है यहाँ से नौदीबू से निकलने का अराउंड 3:30 है. जो पूरी फुल जर्नी है वो 700 किलोमीटर की है, नौदीबू से मॉरिटानिया के वेस्टर्न एंड से मॉरिटानिया के नॉर्थ ईस्टर्न एंड पे. जुएरात 20 घंटे से 24 घंटे लेती है, और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड की हैवीएस्ट ट्रेन है. जी हाँ, इट्स अ बिग लॉन्ग ट्रिप. इट्स 700 किलोमीटर. इट्स वेरी टफ. वेरी टफ. इट्स डिफिकल्ट, बट इट्स गुड. इट्स गुड. इट्स गुड. इट्स लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. Yes, but it's not easy. It's very tough. But you are young, so you don't have any problems. Okay, have a good trip. Thank you, bye. Okay. तो यहाँ ये मैड्रिड में ये जो जर्मन एनजीओ है, तो उनकी हेड है ये. लोग बोलते हैं ट्रेन करने से पहले जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खाना खा लो, क्योंकि ट्रेन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा ज्यादा खाना खाना. टॉयलेट वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं होगा. काफी रफ एंड टफ जर्नी है, काफी हार्ड जर्नी है, लेकिन ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होने वाला है. थैंक यू सो मच ब्रो. या यू आर वेलकम ब्रो. अभी पानी लेना है, खाने का सामान लेना है, कैसे लेके जाऊंगा? प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी यार सेंटर से स्टेशन के लिए. और ये मेन रोड पे पहुंच चुके हैं, काफी खाली खाली है, पता नहीं कोई दिख ही नहीं रहा है. नो इट्स नॉट गोइंग. भाई लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, रोड पे बकरियां चल रही हैं. यहाँ पे भाई सामान पीछे डाल दूं, कैसे खुलेगा ये? ओ भाई साहब, ये तो भाई दिख नहीं रहा है, गिर जा रहा है. ओके ब्रो, बाय ब्रो, बाय. व्हाट इज योर नेम? ताहर. देखो भाई अपनी ये मर्सिडीज की टैक्सी. नौदीबू में यार जो शेयरिंग टैक्सी है इसका फेयर फिक्स है, मिनिमम 10 उगिया, मैक्सिमम 20 गया. सस्ता है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट. लोग बोलते हैं मॉरिटानिया में आके आप लोगों को ऐसा फील होगा कि आप 50 साल पहले के जमाने में चले गए हो. यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड उसकी कंडीशन जो है, उसके अलावा कई एनिमल के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आज भी यूज किया जाता है, तो सब कुछ पुराने जमाने वाला यहाँ पे रेट्रो फील आता है. इन्होंने मेरे को सेंटर पे ड्रॉप कर दिया है 20 गिया में, और बहुत तेज धूप है, काफी गर्म भी है. जैकेट पहना काफी ऑड लग रहा है, बट नो अदर ऑप्शन. और यहाँ पे ये सुपर मार्केट है यार, काफी बड़ी सुपर मार्केट लग रही है मेरे को ये सेंटर में. तो यहाँ से खाने होने का सामान यार ले लेता हूँ, पैक कर लेता हूँ, बाकी बगल में रेस्टोरेंट है वहाँ कुछ खा लूंगा फिर. तो बहुत सारी वैरायटी है, आई थिंक आपके यहाँ सब कुछ मिल जाएगा सेंटर में, सेंटर के बाहर नहीं मिलेगा. समझ में नहीं आ रहा यार 24 घंटे की ट्रेन के लिए किस टाइप का आइटम लू खाने का. और भाई ये देखो एक सुपर मार्केट ये भी है, और सुपर मार्केट के अंदर ही सेंटर पे यहाँ पे मीट बेच रहे हैं. यहाँ पे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है. काफ़ी सारे मैंने केक ले लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के केक है, प्लेन भी है, चॉकलेट भी हैं, और चॉकलेट्स भी हैं, कुछ बिस्किट्स ले लिए हैं, और हाफ डजन बनाना ले लिए हैं मैंने, और ये दो मैंने वनीला शेक, एक चॉकलेट शेक, एक मिक्स फ्रूट शेक, और 4 बॉटल मैंने वाटर ले लिया है. इतना मेरे को पड़ा है 450 गया, यानी कि इतना सामान मेरे को पड़ा 900 रुपए में. थोड़ा यहाँ महंगा पड़ता है कंपेयर टू मोरक्को या नेबरिंग कंट्री, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया था, लेकिन बहुत कॉस्टली नहीं है. जैसे हौली 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 गुड गुड गुड. भाई उन्होंने पूरा झोला ही दे दिया है, सारा सामान झोले में डाल दे रहे हैं. चलो ठीक है, एक ही साथ पूरा कैरी कर लूंगा. तो यार ये डबल बैग लगा लिया हूँ, इतना भारी हो गया है, लग रहा है टूट ना जाए. नो प्रॉब्लम. हाँ नो प्रॉब्लम. ओके बॉन वॉयज. मर्सी मर्सी. फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ जर्नी के लिए. स्ट्रगल भी है और अलग सा एक्साइटमेंट भी है, जो है बस यही कुछ है सब कुछ है. अब चलता हूँ रेस्टोरेंट, जो मैं मॉरिटानिया आने से सबसे पहले रेस्टोरेंट गया था खाना खाने. शायद अभी भी ओपन ही हुआ है, पता नहीं कुछ मिलेगा अभी नहीं, ट्राई करता हूँ. सब कुछ तो बंद ही लग रहा है, अलग से इनको बनाना पड़ेगा मेरे लिए. ये इनका किचन है. तो ये इस रेस्टोरेंट के ओनर है जो मेरे को उस दिन मिले थे. हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन. व्हाट इज योर नेम? आई एम नूरुद्दीन. 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 ओके. आई एम गोइंग जुएरात. यस. तो ट्रेन. ट्रेन. यस ट्रेन. It's good, the train. Train is good. It's 700 kilometers. Yeah, and and how is Zuerat? And the wind is very, very, very dangerous for you. Very dangerous? The wind is very, very dangerous for you. Oh. Yes, yes, yes. Very hot. Yes, Zuerat is very, very hot. It's no water. No water? Yes, yes. Oh. You go to Zuerat only, you drink for milk, the camel. Camel milk in Zuerat?
Yes. Water, I can buy water? No, water. No water? No, eat only. Camel milk. You go to camel. Huh? You take milk. यार ये तो मेरे को order वा दे रहे बोले जुरात बहुत खतरनाक है बहुत ज़्यादा गर्म है पानी नहीं मिलेगा बच के रहना पड़ेगा बहुत dangerous है let's see longest train yes sir longest train in the and world the heaviest. and the heaviest yes, heaviest hello ये सब एम्प्लॉई हैं यहाँ के तो मैंने भी जितने भी आइटम सुपरमार्केट से लिए मैंने सबका इंडिविजुअल प्राइस नहीं पूछा हूँ क्योंकि काफी सामान था यार बहुत टाइम लग जाता पूछता तो फिर तो इकट्ठे मैंने आप लोगों को बता दिया है मैं तो एक्सेस में ले लिया हूँ भाई ज्यादा पड़ जाए लेकिन कम ना पड़े किसी को दे दूंगा या आगे ले जाऊंगा लेकिन भाई कम ना पड़े प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर जुरात बहुत छोटी सिटी है बहुत रिमोट लोकेशन है सहारा डेजर्ट में आई डोंट नो वहाँ मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा तो मे भी बहुत महंगा मिलेगा कोई आइडिया नहीं जुरात कोई फॉरनर जाता नहीं ट्रेवलर बहुत ही कम जाते हैं और इंटरनेट पे भी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है जुरात के बारे में मेनली वो जो टाउन है इंडस्ट्री पर्पस के लिए आयरन और माइनिंग के लिए ही है तो भाई अपना लंच आ चुका है मक्खियाँ बहुत ज्यादा भाई मैं परेशान हो गया हूँ तो ये लोकल ब्रेड है कुछ लोग बूरू बोलते हैं कुछ लोग गातू बोलते हैं इसको लोकल मॉडर्नियन ब्रेड और ये भाई सैलेड है फ्रेंच फ्राइज है मेयोनीज है आई डोंट नो क्या बना दिया है एग वगैरह है शायद अभी राइस भी देंगे मेरे को इतने खाने का है ये मेरे से 80 उगिया लेते हैं यहाँ के जो ओनर है ना बोल रहा था अगर आपको कुछ इंडियन फूड भी खाना हुआ रोटी चपाती पराठा सब कुछ ये बना देंगे इंडियन सब्जी भी बना देंगे लेकिन टाइम चाहिए आधे से एक घंटे बनाने के लिए इतनी मक्खियां बार बार हटाना पड़ रहा है यहाँ हाइजीन लेवल बहुत ही खराब है भाई कम बैक ओके भाई टैक्सी वाले आ गए बोले दो मिनट वेट करो कोई को ड्रॉप करके आता हूँ मैं जो कोई भी यहाँ मिल रहा है जिससे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं आयरन ओर ट्रेन लेने जा रहा हूँ तो हर कोई बोल रहा है भाई बहुत डेंजर है बहुत खतरा है मत करो बहुत रिस्क है इसमें यार पागल हो जाओगे परेशान हो जाओगे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा यार ट्रेन जर्नी के लिए तो भाई हमारे ये टैक्सी वाले भी आ गए हैं स्टेशन है How much? Okay. भाई 100 रुपया ले रहे हैं ठीक है एक्चुअली नौदीबू का जो ट्रेन स्टेशन है रेलवे स्टेशन वो सेंटर में नहीं है सिटी में नहीं है बाहर है इसके 7-8 किलोमीटर आउटर में है विश मी गुड लक भाई लोग जर्नी स्मूथ जाए सक्सेसफुल जाए जो का देखा जाएगा अभी हम लोग सिटी के आउटस्कर्ट्स में आ चुके हैं ट्रैफिक वगैरह घर वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पर देखो रेलवे ट्रैक दिखने लगा है ऑफिशियली टाइम 3:30 बजे का है लेकिन ट्रेन कोई भरोसा नहीं है 4 बजे आए 5 बजे आए 6 बजे आए तो भाई हमारा ये ट्रेन स्टेशन आ गया गारे स्टेशन यानी कि गारे फ्रेंच में तो यहाँ गारे लिखा हुआ है स्टेशन हाँ गारे भाई ड्राइवर साहब तो काफ़ी सही है यार काफ़ी हेल्प कर दे रहे हैं सामान उठाने में रखने में पहुँचाने में कुछ लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं ओके शुक्रान कुछ ऐसा ये रेलवे स्टेशन है नौदीबू का देख सकते हो खाली है कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं लोकल लोग हैं जो मे भी शाम या जुहरात जा रहे होंगे और मेरी ये हॉली यार हॉली वाली पूरी खुल चुकी है लग रहा फिर से बनवाना पड़ेगा मेरे को ऑल दो मॉरिटानिया में काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं फिर भी यहाँ का जो मेन सोर्स है मॉरिटानिया इकोनॉमी का वो है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग ये कंट्री 90% से भी ज्यादा डेजर्ट में लोकेटेड है उसके बावजूद यहाँ का जो मेन इकोनॉमी सोर्स है वो एग्रीकल्चर वाओ बहुत ही कम चीज़ यहाँ पे उगाया जाता होगा तो भाई 3:30 बज चुका है ट्रेन का ऑफिशियल टाइम हो चुका है लेकिन ट्रेन कहीं भी नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक और लोकल्स आके यहाँ पे रेलवे ट्रैक के आसपास बैठ गए हैं कुछ टैक्सी वाले भी दिख रहे हैं ट्रैक पे उन लोग बोल रहे हैं इन लोग रफ आइडिया लगा लेते हैं बोल रहे हैं विद इन 30 मिनट्स ट्रेन आ जाएगी यानी कि 4 बजे के आसपास ट्रेन आ जाएगी यार पहले अपनी ट्रेन आ गई है 3:30 बजे का टाइम था बस आधे घंटे लेट है 4 बजे आ गई है बहुत प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग करने में आपको मैं ट्रेन के अंदर बैठ के बताता हूँ समझ नहीं आ रहा कहाँ बैठूँ यार कहीं नहीं कि चढ़ जाता हूँ यार कुछ समझ नहीं आ रहा है हाँ हम दे रहा ऊपर कैसे चढ़ू समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे कुछ लोग चढ़ रहे हैं वहाँ चढ़ जाता हूँ ये ट्रेन भाई 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ये कैन इमेजिन इसीलिए इसको वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रेन बोला जाता है और वर्ल्ड की हैवीएस्ट ट्रेन अभी मेरे को यार पुलिस वालों ने पकड़ लिया था कि भाई कैमरा वगैरह क्यों यूज़ कर रहे हो तो मेरे पासपोर्ट वगैरह की डिटेल दी काफ़ी इसीलिए बहुत सारा मैं पासपोर्ट का फोटोकॉपी करा के आया था मोरक्को से जब तक ट्रेन के अंदर बैठे जाऊँगा तब ठीक से रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊंगा मैं इकलौता फॉरनर हूँ शायद यहाँ पे एक भाई साहब मिले हैं थोड़ा हेल्प कर रहा है सामान पकड़ने वो चढ़ने में तो यहाँ पे कुछ लोकल लोग यार जो सामान वगैरह ट्रेन में डाल रहे हैं मे भी शायद रास्ते में कहीं उतरेंगे या पूरा जुहरात तक जाएंगे देर भाई कहाँ चढ़ूँ देर हाँ देर भाई इनको दे देता ये चढ़ा देंगे ऊपर
भाई चढ़ गया सब बैग। तो भाई चढ़ रहा हूँ ऊपर यार कोई तरह, बहुत दिक्कत है भाई, हल्का हाथ तक नीचे कुछ ऐसा है भाई। नीचे का लोकेशन देख लो भाई, कपड़े वगैरह सब गंदे होने वाले हैं पूरी तरीके से भाई, यहाँ कूदना पड़ेगा मेरे को। भाई सामान है ये देखो पूरा भाई, दूर दूर तक ट्रेन दिख रही है यहाँ पे, इधर भी और इधर भी। शुक्रान शुक्रान, देखो भाई कितना ऊंचा है ये, कितनी ऊंची ट्रेन है, ऊपर पूरा चढ़ के आना पड़ता है यार। ये केरोसिन है, केरोसिन की महक आ रही है, ये तो थोड़ा डेंजर सा करा है यहाँ पे, और गैस वगैरह सब रखा हुआ है भाई यहाँ तो, और गैस आवाज़ भी आ रही है, लीक कर रही है। हिंदी भाई, हिंदी बोल रहे हैं इंडिया के पाकिस्तान में, कहाँ इंडिया भाई। इन्होंने टिप मेरे से मांगा नहीं, लेकिन काफ़ी देर से खड़े थे, मेरे को देख रहे थे, मेरे को लग रहा था शायद ये टिप चाहते थे, मैंने इनको 20 रुपया दे दिया है। और मैं अगले वैगन में जा रहा था तो लोगों ने मना कर दिया कि कुछ आर्मी के सामान है, तब नहीं आ सकते हो, आप इसी में रहो भाई, इसी में रहना पड़ेगा, भगवान बचाए अब इन सब चीज़ों से। ये ट्रेन जर्नी 700 किलोमीटर की होने वाली है, कितने घंटे लगेंगे फिक्स नहीं है यार, कोई 20 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है, कोई 18 बोल रहा है, आई डोंट नो एक्चुअल क्या है, आपको पता जब मैं पहुँचूंगा तब पता चलेगा। पूरे मॉरिटानिया में एक लौती ट्रेन लाइन है जो कि सिर्फ ये है, और ये कनेक्ट करती है ज़ुवेरात, जहाँ पर आयरन ओर की माइन है, और वो आयरन ओर पर ट्रांसपोर्ट होता है नौदीबू को, जो कि सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है पूरे मॉरिटानिया का। फिर नौदीबू के पोर्ट से अलग अलग कंट्री को आयरन एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इसका मॉरिटानियन इकोनॉमी में आयरन ओर का। तो ज़ुवेरात से जब नौदीबू के लिए ट्रेन आती ना, तो यहाँ पूरा आयरन ओर पूरा भर के आती है, वापस जाती है तो खाली जाती है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ तो पूरी खाली है। तो मैं ज़ुवेरात पहुँचूँगा, उसके बाद दोबारा ट्रेन फिर लूँगा शोम के लिए, जो कि रास्ते में पड़ता है, तब मैं आयरन ओर से आऊँगा। तो मैं ट्रेन दो बार लेने वाला हूँ, और दोनों एक्सप्रेस लेने वाला हूँ, खाली ट्रेन का भी और आयरन ओर ट्रेन का भी। तो भाई अपना लैपटॉप बैग पैक, अपना रैकसैक, अपना मैट्रेस और खाने पीने का सामान। ट्रेन इतनी लंबी है कि नज़र ओझल हो जा रही है, लेकिन ट्रेन ख़त्म नहीं हो रही है। तो भाई ट्रेन को डेंजर सामान से रख रहा है, मेरे को डर लग रहा है अब यहाँ पर तो, बट कोई ऑप्शन नहीं है भाई, अब आ गया हो तो आ गया हूँ। ट्रेन की लेंथ देखो, कहीं दूर वहाँ पर रेलवे स्टेशन दिख रहा है, और पूरा ये सहारा डेजर्ट, पूरा चारों तरफ सहारा डेजर्ट। तो भाई पहली ट्रेन चल चुकी है, तो भाई कुछ ऐसा अभी ये मेरा वैगन देख सकते हो, और इस ट्रेन को राइड करने के लिए वैगन के ऊपर ओपन एयर में कोई भी टिकट या आपको कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, और बहुत सारे लोग ट्रेन को डेंजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अचानक से ट्रेन ब्रेक लगाती है, और बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही एक्सीलेटरली ट्रेन स्टार्ट होती है, तो अगर कोई किनारे रहता है तो नीचे गिरने का डर रहता है उसका। तो भाई लोग अपना गद्दा वगैरह लेके आए हैं बिछाने के लिए। अरे यार मेरा ये भाई हॉल पूरा खुल गया है, फिर बनवाना पड़ेगा इसे यार। अब सही लग रहा है ना, ये जो ग्लास दिख रहा है मैं इंडिया से लेके आया था, ये पूरा प्लास्टिक एंड ग्लास का पूरा ग्लास है, इससे मेरी आंखें वगैरह बची रहेगी आगे टेस्ट से। सहारा का भी डस्ट है, सहारा के डेजर्ट, सहारा के बालू का, और आयरन ओर का भी डस्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारे आयरन ओर पड़े हुए हैं, अभी मुझे ओढ़ रहे हैं। चलती ट्रेन से ही पार हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्की है। भाई हर तरफ सहारा डस्ट देख रहा, कितना धूल मिट्टी, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है सहारा डस्ट की वजह से। लेकिन अब तो सो गए ट्रेन चलते ही तुरंत। फाइनली आज मेरे एक ड्रीम लिस्ट, एक मेरी विश लिस्ट पे टिक मार्क लग गया है, जो बहुत ही पुराना मेरा ड्रीम था, एक बकेट लिस्ट में थी ये, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रेन, वर्ल्ड की आयरन ओर ट्रेन, फाइनली आज ये पूरी हो गई है, आज होने जा रही है, हुई नहीं आज हो जाएगी, अभी तो बस शुरुआत है। देखो ये पूरा आयरन का वैगन है, इस पर पूरी ये आयरन ओर की लेयर चिपकी हुई है, ये देखो पूरी आयरन ओर की लेयर है, छूट रही है दबाने पर, ये देखो दिख रहा है, ये भी उड़ रहा है, ट्रेन जितनी तेज़ हो रही है ना उतना तेज़ी निकल के आँखों में आ रहा है, ये देखो पूरा। देखो ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन आ रही है, आ रही है, डबल लाइन है, आने की जाने की।
आपको दिख रहा होगा स्टैंड के ऊपर पूरा ये आयरन और रखा हुआ है ब्लैक एंड ब्राउन कलर का। जब वापसी जाऊंगा तो इसके ऊपर आऊंगा, वो होगा असली एडवेंचर। अभी तो मिनी एडवेंचर है। इको ट्रैवलर, मैं तो यार इस पर बैठने का खड़े होने का सोच भी नहीं सकता हूँ। यहाँ के जो लोकल है जो डेली ट्रेन से आते जाते हैं भाई, चलती ट्रेन से इस वैगन से अगले वैगन पे चले जाते हैं भाई, चल के कूद के। नेक्स्ट का नेक्स्ट डेंजर लेवल है भाई वो तो। तो भाई अपना मैट्रेस लग गया है, आराम से मैं यहाँ पे आराम करता हूँ, कहीं ट्रेन रुकेगी तो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आयरन ओर ट्रेन इतना ज्यादा हिल रही है, इतना ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, लग रहा है पूरी बॉडी का मसाज हो जाएगा। इसी हार्श कंडीशन की वजह से इस ट्रेन को मोस्ट हार्डकोर ट्रेन जर्नी इन वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये सहारा डिजर्ट के रिमोट एरिया से जाती है। हर जगह सहारा डस्ट उड़ता है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म रहती है और रात में बहुत ज्यादा ठंडी जाती है, काफी हार्श सिचुएशन से होकर गुजरती है ट्रेन। ये ट्रेन जर्नी कम्प्लीट करना बहुत ही स्ट्रेंज एडवेंचर है और ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पे एक लड़का भी था, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ के जो लोकल है ना, जल्दी ट्रेन से कूद जाते हैं भाई। शाम हो गई है, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। यार इतनी बालू ओढ़ी, इतनी बालू ओढ़ी, कोई हद नहीं है भाई। आग खोला नहीं जा रहा है, मेरे पूरे बॉडी में, पूरे मैट्रेस में, पूरे बैग में, हर जगह बालू ही बालू। ये देखो, कहते हैं जुगाड़। मेरे किसी ने बताया था ये जुगाड़ जरूर करना है यहाँ पे। 2 मिनट के लिए मुंह खोलो पूरी बालू घुस जाती मुंह में भाई। वो लड़का वहाँ पर है, मैं इतनी देर से इसको ढूंढ रहा हूँ भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। मैं इससे बोल रहा हूँ वापस आ जाओ यहाँ पे, बोल रहा है नहीं तुम आ जाओ वहाँ पे। अंगे भाई पागल हो गया, मरवाओगे क्या भाई? ऐसे लोग यहाँ पे पानी पी रहे हैं यार। भाई रात के 11 बज रहे हैं, हालत खराब हो गई है यार, कोई नहीं है। कुछ सामान था, इनका सामान था, मैंने नीचे सारे सामान फेंकवा के खुद से इनको पकड़वा दिया है। ये भी अब जा रहे हैं। फिनिश फिनिश और यू गो और यू स्टे यू गो यस यस यू गो हां यस यस व्हिच प्लेस इज दिस नेम सेट प्लेस यू नेम पता नहीं भाई कौन सी जगह है, कुछ नहीं पता है। तो इंडियन क्या? इंडियन इंडियन तो इंडियन यस ओके 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 से डे मी 50 यस 50 यू हैव टू ट्रेन यस नॉट Yes, yes. Yes. तो भाई ये सारे सामान है जो मैंने पकड़वाए हैं अभी इनको। भाई देख लो, अब तो मैं पूरा अकेले हो गया, मेरे अलावा कोई सामान भी नहीं बचा है, सिर्फ मेरा सामान है यहाँ पे। ये देखो पूरा बालू से ढक गया है यार। और ये ब्लैंकेट है ना, इतनी ठंडी यहाँ पे नहीं है, तो मैंने ब्लैंकेट को ही तकिया बना लिया है, पिलो बना लिया है। सेट प्लस यू डेड ट्रेन डेड ट्रेन ट्रेन यूज गो Najibu, try to go Zwerat. Oh, me, you see, yes. me go Zwerat. You, me go Zwerat, yes. This train? This train is go Zwerat. No problem, huh? Yes, no problem. I stay here, huh? Yo, no problem. Okay, okay. No problem. तो यार मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि आधी ट्रेन शायद अलग हो जाए और कहीं जाए, तो क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने 2-3 लोग से कंफर्म किया, ये जो वैगन पूरा Zwerat तक जाएगा। पता लगा मैं कहीं और चला गया, ट्रेन Zwerat चली गई। हो गया फिर। ओके बाय। मेरे नाम सीजी। आपका नाम सीजी? सीजी ओ हिंदी आता जी इंडिया शुई शुई शुई। भाई इस ट्रेन में ना कोई कंडक्टर है, ना ही कोई टिकट है, ना ही कोई रूम है, ना कोई टॉयलेट है, ना चेंजिंग रूम है, ना कोई फिक्स शेड्यूल है। भाई इससे ज्यादा एडवेंचरस और क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा चैलेंजिंग और क्या हो सकता है? कैन यू इमेजिन? मैं अभी फोन के फ्लैशलाइट ऑन करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं तो भाई इतना अंधेरा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये ट्रेन 5 किलोमीटर के लिए मॉरिटानिया छोड़ के वेस्टर्न सहारा से होके गुजरती है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो भाई चलती ट्रेन में कोई चढ़ रहा है, मैं अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, काफी डार्क हो चुका है, रात हो चुकी है। देखो भाई चलती ट्रेन पे ये दौड़ते हुए चढ़ गए, ट्रेन रुक गई है। ये देखो तो ये सब सामान भाई उतर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, पता नहीं। देखो और ये तो भाई चलती ट्रेन के ऊपर चढ़ गए थे, देख रहा हूँ कितनी बालू उड़ रही है, ट्रेन रुकी तभी बालू उड़ रही है। देखो हो गया भाई मेरा काम तमाम। भाई इन लोग जा रहे हैं, अब मैं अकेले यहाँ पे। तो भाई सारा ये सिलेंडर ऑयल केरोसिन डीजल पेट्रोल सब उतर गया यार।
मेरा हाल कुछ ऐसा है अभी यार, बहुत ही बुरा हाल है। आप लोग देख रहे हो हर जगह बालू ही बालू, आँख में इतनी बालू भर गई है कि मैं ठीक से आँख भी नहीं खोल पा रहा हूँ। ट्रेन 4 बजे शुरू हुई थी, भी रात के 9 बज रहे हैं, सिर्फ 5 घंटे हुए हैं अभी। अगर 20 घंटे की भी ट्रेन हुई, 15 घंटे की जर्नी बाकी है, मेरे को यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या होने वाला यार, अब तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। कोई था तो चलो लग रहा था कोई साथ में है, कोई रिस्क नहीं है कोई कंपनी देने के लिए, अब तो कोई भी नहीं है भाई। तो भाई अभी ट्रेन चल रही है, ये कहीं से चल के आए हैं चलती ट्रेन में चेंज करके। यू ज़ेरात? ज़ेरात हाँ, ज़ेरात यस, मी हियर अलोन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। टुमारो व्हाट टाइम ज़ेरात, व्हाट टाइम? व्हाट टाइम? 70 पता नहीं भाई, 70 17 17 आवर ओके, पता नहीं भाई 17 करने की जर्नी 17 टाइम बजे। यू दैट साइड? तो भाई ट्रेन बहुत स्पीड चल रही है, ये वापस जाएंगे। यू कम अगेन? ओके शुक्रान, शुक्रान बोल रहा भाई, फिर से आऊँगा मैं आपका हाल चाल देखने के लिए। देखो ट्रेन चल रही है, जा रहे हैं।